लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतगणना मंगलवार को 8 बजे पीजी कॉलेज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं सोमवार को चुनाव पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कई आला अधिकारियों ने मतगणना स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। इस दौरान अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के साथ सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे पीजी कॉलेज में शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली है। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। परिणाम को लेकर हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। इसको लेकर जहां सोमवार को मतगणना अधिकारियों और कार्मिकों को भगवान महावीर टाउन हॉल में द्वितीय एवं अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी निशान जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जैन के मुताबिक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं सोमवार को चुनाव पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने मतगणना स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। इस दौरान अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के साथ सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी निशान जैन के मुताबिक मतगणना के दिन रामूबाई स्कूल से सिंदरी सर्किल जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा। इसको लेकर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सिंदरी सर्किल रोड और जोधपुर रोड की तरफ जाने वाले वाहन कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने होते हुए नवले की चक्की से यू टर्न लेकर जसदे धाम से उतलाई रोड पर आकर आगे जाएंगे। जोधपुर रोड जाने वाले वाहन भी इसी रूट से शहर में आएंगे। सिंदरी रोड की तरफ से जाने वाले सिंदरी सर्किल में चामुंडा सर्किल होते हुए शास्त्री नगर अंडरब्रिज व नेहरू नगर रेलवे फाटक से बाहर आएंगे। इसी रूट से होते हुए शहर से सिंदरी रोड की तरफ भी जा सकेंगे। वहीं नेहरू नगर पुलिस की तरफ से आने वाले मतगणना एजेंट अपने वाहनों की पार्किंग आदर्श स्टेडियम पार्क कर सकेंगे। सिंदरी सर्किल की ओर से आने वाले एजेंट वाहनों की पार्किंग सिंदरी सर्किल के पास मेला मैदान में खड़े कर सकेंगे।